हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारी फेशियल नर्व को और अब हम कंटिन्यू करेंगे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से, मतलब क्रेनियल नर्व नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो नाइन्थ से हमें क्या पता चला, हमें पता है कि नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ और ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूला के अंदर। तो नाइन्थ जो नर्व है, मतलब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, इसका भी न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा मेड्यूला, मैं सिर्फ मेड्यूला लिख रहा हूँ, मेड्यूला का मतलब है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का, नाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का न्यूक्लियस है। यहां से हमारी नर्व का ओरिजिन होगा, तो यहां से जो फाइबर्स निकलेंगे हमारी नर्व के, तो ये किसके फाइबर्स निकल रहे हैं, नाइन्थ नर्व के फाइबर्स। उसके बाद ये नर्व जो है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये बाहर निकलती है किसके थ्रू, एक फोरामेन के थ्रू, जो मैंने बताया था फोरामेन ऑफ स्कल वाली वीडियो में। कौन से फोरामेन के थ्रू निकलती है, जुगुलर फोरामेन। तो ये कौन सा फोरामेन हो गया हमारा, दिस इज द जुगुलर फोरामेन। तो ये हो गया हमारा जुगुलर फोरामेन, इसके थ्रू हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो एग्जिट करती है। तो ये हो गया जुगुलर फोरामेन, इसके थ्रू हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ने एग्जिट किया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एग्जिट करती है यहां से एक ब्रांच निकलती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एक ब्रांच देती है यहां पे, ये जो है ये ब्रांच हमारी गई ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की, जो एंटर करती है ये क्या है हमारा मिडल ईयर। तो किसके अंदर एंटर करेगी वो ब्रांच, मिडल ईयर की मीडियल वॉल में, मिडल ईयर की मीडियल वॉल में। तो मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर के अंदर एंटर करती है कौन, हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की एक ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम है जैकोब्सन्स नर्व। तो इसका क्या नाम हो गया, दिस इज द जैकोब्सन्स नर्व। ये क्या करती है, जो प्रोमोन्ट्री होती है ना हमारे मिडल ईयर में, उसको पियर्स करती है, इट पियर्सेस द प्रोमोन्ट्री इन द मिडल ईयर। और उसके बाद ये आगे जाके क्या बनाती है, आगे जाके एक प्लेक्सस बनाती है। प्लेक्सस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नर्व, तो एक प्लेक्सस बनाती है जिसका नाम होता है टिम्पैनिक प्लेक्सस, क्योंकि ईयर में है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो टिम्पैनिक प्लेक्सस किसने बनाया यहाँ पे, जैकोब्सन्स नर्व ने। जैकोब्सन्स नर्व किसकी ब्रांच है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की ब्रांच है, जो मिडिल ईयर में एंटर करती है। उसके बाद जो टिम्पैनिक प्लेक्सस है वहां से एक नर्व का बिगिनिंग होती है, एक नर्व का ओरिजिन होता है एक तरह से। टिम्पैनिक प्लेक्सस से एक नर्व निकलती है जिसका नाम होता है लेसर पेट्रोसल नर्व। तो ये जो ब्लू कलर में अब जो नर्व जा रही है ये है हमारी लेसर पेट्रोसल नर्व। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व किसकी ब्रांच थी, फेशियल नर्व की, जो पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेसर पेट्रोसल किसकी ब्रांच है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। नाम में पेट्रोसल आ रहा है सब में, क्योंकि ये पेट्रस पार्ट जो होता है ना टिम्पैनिक बोन का, उससे रिलेटेड होता है, इसलिए हर एक के नाम में पेट्रोसल आता है, ठीक है। अब ग्रेटर पेट्रोसल थोड़ा ऊपर होगी इसलिए उसको ग्रेटर पेट्रोसल बोला है, लेसर पेट्रोसल मतलब उससे थोड़ा नीचे की तरफ है इसलिए लेसर पेट्रोसल हो गया। तो क्या हुआ, टिम्पैनिक प्लेक्सस से नर्व निकली लेसर पेट्रोसल नर्व। उसके बाद जो लेसर पेट्रोसल नर्व है वो एक फोरामेन के थ्रू एग्जिट करती है, जिस फोरामेन का नाम होता है फोरामेन ओवेल। हमने जब याद है फोरामेन की बात की थी, स्कल के फोरामेन की, उसमें हमने पढ़ा था फोरामेन ओवेल से चार चीजें जाती हैं, MALE। तो M से मैंडिबुलर नर्व था, इसी तरह से L से क्या था हमारे पास, लेसर पेट्रोसल नर्व था। तो यही वो लेसर पेट्रोसल नर्व है जो फोरामेन ओवेल के थ्रू एग्जिट करती है। साथ में इसके क्या प्रेजेंट होगा, अब एक और रिलेशन आ गया, फोरामेन ओवेल में क्या रिलेशन है इसका, फोरामेन ओवेल में इसके साथ साथ एक और नर्व जाती है, कौन सी नर्व है ये, दिस इज द फिफ्थ का थर्ड, मतलब मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व भी तो पास करती है ना फोरामेन ओवेल से, तो एक रिलेशन हो गया एक तरह से। तो क्या होता है, जो मैंडिबुलर नर्व, जो हमने जब मैंडिबुलर नर्व पढ़ा था ट्राइजमाइनल नर्व वाले टॉपिक में, तो मैंने बोला था कि इससे ना एक इस तरह से गैंग्लियन लटक रहा होता है, मैंडिबुलर नर्व से अटैच होता है एक गैंग्लियन जिसका नाम होता है ओटिक गैंग्लियन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो एक गैंग्लियन होता है ओटिक गैंग्लियन जो मैंडिबुलर नर्व से जुड़ा हुआ होता है, इस गैंग्लियन के अंदर रिले करता है हमारा लेसर पेट्रोसल नर्व के फाइबर्स। लेसर पेट्रोसल नर्व टिम्पैनिक प्लेक्सस से शुरू हुआ, उसके बाद फोरामेन ओवेल से एग्जिट करता है
और उसके बाद ओटिक गैंग्लियन में जाके रिले करता है वो ओटिक गैंग्लियन जो मैंडिबुलर नर्व से अटैच होता है। मतलब ओटिक गैंग्लियन जो है उसका टोपोग्राफिकल फंक्शन कौन कर रहा है, मैंडिबुलर नर्व, और उसका फंक्शनल कॉम्पोनेंट कौन है, अभी आगे पढ़ते हैं। कौन है वहां पे, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व कैसे है वो बताता हूँ। लेसर पेट्रोसल नर्व ने रिले किया ओटिक गैंग्लियन में। अब यहां से क्या निकलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। रिले करने के बाद क्या निकलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो जाते हैं आगे पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, इसको सप्लाई करना है इसको पैरोटिड ग्लैंड, हमने पढ़ा था ना ओटिक गैंग्लियन टॉपिक में। तो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है लेसर पेट्रोसल नर्व, किसके थ्रू, कौन सी नर्व के थ्रू अभी फाइबर्स जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेसर पेट्रोसल नर्व आई ओटिक गैंग्लियन में रिले किया, वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो कौन लेके जाएगा, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व लेके जाती है पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करवाने के लिए। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व इसका फंक्शनल कंपोनेंट का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कोर्स हो गया हमारा लेसर पेट्रोसल नर्व का, और उससे पहले जैकोब्सन्स नर्व की हमने बात की थी। अब जो हमारी मेन नर्व अभी तो बची हुई है ना, नाइन्थ क्रेनियल नर्व की एक ही ब्रांच हमने पढ़ी थी, उसके बाद भी हमारी नाइन्थ क्रेनियल नर्व नीचे जाती है, ठीक है। तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई किस किस को कर रही है, अब बात ये आती है। तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है सिर्फ एक मसल को, सिर्फ इकलौती एक मसल है जिसको ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, और उस मसल का नाम है स्टाइलोफेरिंजियस मसल। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है, वो है स्टाइलोफेरिंजियस मसल, ठीक है। तो स्टाइलोफेरिंजियस मसल एक अकेली ऐसी मसल है जो ग्लोसोफेरिंजियस से सप्लाई होती है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोसोफेरिंजियल सप्लाई करती है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग को, किसको, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग। उसके अलावा सप्लाई करती है जो हमारे टोन्सिल होते हैं ना, फेरिंग्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, टोन्सिल के एपिथीलियम को सप्लाई करती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा सप्लाई करती है सर्कमवेलेट पेपिला को, सर्कमवेलेट पेपिला कहां प्रेजेंट होते हैं, टंग के एंटीरियर टू थर्ड में होते हैं, लेकिन सप्लाई कौन कर रहा है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी बताऊंगा ये चीज भी मैं। तो सर्कमवेलेट पेपिला, और उसके अलावा सप्लाई करती है एक और चीज को, किस किस को, कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस, बॉडी एंड कैरोटिड साइनस को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सब सप्लाई किसके थ्रू जा रहे हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ने सप्लाई किया किसको, स्टाइलोफेरिंजियस मसल को, उससे पहले पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई किया किसके थ्रू, लेसर पेट्रोसल नर्व के थ्रू। लेसर पेट्रोसल क्या कर रही है, किसका काम कर रही है, सलाइवेशन का काम कर रही है। ग्रेटर पेट्रोसल याद करो पिछली वीडियो में, ग्रेटर पेट्रोसल किसका काम कर रही थी, ग्रेटर पेट्रोसल काम कर रही थी लैक्रिमेशन का, लेकिन लेसर पेट्रोसल काम करती है सलाइवेशन का पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। तो जैकोब्सन्स नर्व हो गया, उसके बाद स्टाइलोफेरिंजियस मसल को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करती है, टोन्सिल एपिथीलियम को सप्लाई करती है, सर्कमवेलेट पेपिला को सप्लाई करती है, और कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस को सप्लाई करती है। ये कैरोटिड बॉडी जो होता है ये होता है हमारा कीमोरिसेप्टर, कैरोटिड बॉडी होती है कीमोरिसेप्टर, और कैरोटिड साइनस जो है ये होता है बैरोरिसेप्टर, मतलब प्रेशर से इसके अंदर रिसेप्टर का काम करता है, प्रेशर के थ्रू, मैंने रेक्टर लिख दिया, रिसेप्टर है, ठीक है, बैरोरिसेप्टर है कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी है कीमोरिसेप्टर, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसी बात बताई आपको। अब मैं टंग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह की होती है हमारी टंग, उसके दो पार्ट होते हैं, मेनली दो होते हैं, एक एंटीरियर टू थर्ड, ठीक है, एक पोस्टीरियर वन थर्ड, और एक पोस्टीरियर मोस्ट भी होता है, वो मैं यहाँ नहीं बना रहा, एक पोस्टीरियर वन थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एंटीरियर वन थर्ड में यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है। तो ऑरेंज कलर में क्या है ये, सर्कमवेलेट पेपिला, ठीक है। तो सर्कमवेलेट पेपिला वैसे तो एंटीरियर टू थर्ड में है, तो इसको सप्लाई कोडा टिम्पैनी को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो हमारी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को जो नर्व सप्लाई करती है ना, ये देखो ये नर्व सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को, और यही सप्लाई कर देती है हमारे सर्कमवेलेट पेपिला को भी, ये बात ध्यान रखना। सर्कमवेलेट पेपिला को ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ही सप्लाई करती है, ना कि कोडा टिम्पैनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी में गलतियां करते हैं हम, तो ये चीज ध्यान रखना। तो मैं फिर से पूरा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको ग्लोसोफेरिंजियल नर्व।
मैंने स्टार्ट किया कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा में, वहां से फाइबर्स निकलते हैं और वो एग्जिट करते हैं जुगलर फोरामेन के थ्रू, उसके बाद वो एक नर्व देती है जैकोब्सन्स नर्व, जैकोब्सन्स नर्व एंटर करती है मिडल ईयर में प्रोमोन्ट्री को पियर्स करते हुए और बनाती है टिम्पेनिक प्लेक्सस। टिम्पेनिक प्लेक्सस से एक नर्व निकलती है लेसर पेट्रोसल नर्व, ये लेसर पेट्रोसल नर्व फोरामेन ओवेल के थ्रू बाहर निकल के ओटिक गैंग्लियन में रिले करती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड के पास किसके थ्रू, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्लोसोफेरिंजियल सप्लाई करती है स्टाइलोफेरिंजियस मसल को भी, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को भी, टोन्सिल के एपिथीलियम को, सर्कमवेलेट पेपिला को और कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस को भी। तो ये है पूरी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, बहुत इजी नर्व है ये और क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगली वीडियो में बात करेंगे वेगस नर्व की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को तो दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो की। थैंक यू।